सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट डेकोरेशन, और ये आप अपने केक्स और पुडिंग पर बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए देखें इसे सिंपल तरीके से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्टर शीट या फिर OHP शीट ली है, ये हमने A4 साइज़ की ली है, पर यह हमारे लिए बड़ी है। इसके एजेस को हम कट कर देंगे। एक तरफ से हमने इसे 1.5 इंच का काटा है, अब दूसरी तरफ से हम इसे 1 इंच का काट देंगे। तो ये हमारी प्रोजेक्टर शीट हमारे लिए तैयार है। अब एक बोल में हम 2 टेबलस्पून मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लेंगे, ये ब्राउन कलर की होती है, और इसे मेल्ट करने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करने के लिए आप 30 सेकंड के लिए इस चॉकलेट को माइक्रोवेव में रखें। 30 सेकंड के बाद चेक करें, अगर चॉकलेट मेल्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे फिर से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें और इसे गर्म करें। तो इस प्रोसेस को तब तक करें जब तक आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती है। तो देखिए ये चॉकलेट मेल्टेड है। अब हम प्रोजेक्टर शीट पर अपनी फिंगर टिप की हेल्प से चॉकलेट को इस तरीके से रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट हम अपनी फिंगर टिप पर लेकर इस तरीके के प्रिंट पूरी प्रोजेक्टर शीट पर बना लेंगे। अब हम एक नाइफ़ या चाकू लेंगे जिसकी टिप को थोड़ा चौड़ा रखेंगे और बची हुई चॉकलेट को उसके अंदर डिप करेंगे, और उसकी टिप को हम इसी प्रोजेक्टर शीट पर टैप करेंगे। तो हमें एक लंबे थ्रेड जैसा पैटर्न चाहिए। बची हुई मेल्टेड चॉकलेट को आप रूम टेम्परेचर पे सूखने दें, और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर बच्चों को कैडबरी शॉट्स की तरह आप दे सकते हैं। तो ये मैंने एक रफली इसे प्रिपेयर किया है, एक अच्छी शीट जो मैंने बनाई है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी शीट तैयार है। इसे मैं अब फ्रीज़र में 2 से 3 मिनट के लिए पार्शली सेट होने के लिए रख दूँगी। इसे मुझे बहुत हार्ड नहीं करना है। फ्रीज़र में कितना टाइम लगेगा ये चॉकलेट के थिकनेस से और आपके फ्रीज पर डिपेंड होता है। सेकेंड लेयर बनाने के लिए हमने एक बोल में 3/4 कप यानी 3/4 कप वाइट कंपाउंड चॉकलेट चॉप करके डाली है। इसे भी हम सेम प्रोसेस से मेल्ट कर लेंगे। तो ये वाइट चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बचे। तो देखिए एकदम चिकनी हो चुकी है। तो ये जो फ्रीज़र में हमने शीट रखी थी इसे हमने 3 मिनट के बाद बाहर निकाल लिया है, और ये हमारे हाथ पर नहीं चिपक रही है, मतलब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। मेल्टेड वाइट चॉकलेट को हम 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे की और ऊपर की चॉकलेट दोनों ही आपस में मिल जाएंगे। एक पैलेट नाइफ की हेल्प से या फिर किसी चम्मच से हम इसे अच्छे से शीट पर फैला देंगे। इसकी थिकनेस हमें कम ही रखनी है, ज़्यादा थिकनेस होने पर यह आसानी से सेट नहीं हो पाएगी। वाइट कंपाउंड चॉकलेट, मिल्क कंपाउंड चॉकलेट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट, ये तीनों चॉकलेट का आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ कर नए नए पैटर्न्स बना सकते हैं। अब एक कैंची की सहायता से हम इसे 2:1 रेशो में काट देंगे, मतलब एक हिस्सा हमारा छोटा रहेगा और दूसरा बड़ा। अब चॉकलेट की इन दोनों ही शीट्स को हम फ्रीज़र में 3 मिनट के लिए लगभग रख देंगे ताकि ये सेमी सॉलिड हो जाए। पूरी कड़क हमें इसे नहीं करना है, बस इतना कड़क करना है कि हमारे हाथ पर ये चिपके नहीं। फ्रीज़र में रखने का टाइम आपकी चॉकलेट की थिकनेस को और आपके फ्रीज़र पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए अब ये 3 मिनट के बाद बाहर निकालने पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ पर चिपक नहीं रहा है, मतलब कि ये अच्छे से सेमी ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी मार्जिन्स पे चाकू की सहायता से हम मार्किंग कर देंगे ताकि हमारी मार्जिन्स एकदम इवन हो जाए। बीच में खड़ी और आड़ी लाइनें आप खींच दें ताकि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल मिल जाए। चाहे तो आप कटर की सहायता से इसके बीच में गोल सर्कल भी बना सकते हैं। जो चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बहुत शार्प एज का रखिए, क्योंकि अगर अच्छे से आपने इसे अलग नहीं किया तो चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होकर आपस में चिपक जाएंगी, और जब आप इसका आगे इन्हें निकालने की कोशिश करेंगी तो ये बाहर नहीं आएंगे। इसके ऊपर मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की डिज़ाइन डाल दी है। अब इस शीट को पूरी तरीके से जमने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। बची हुई चॉकलेट की शीट को हम फिर से मार्जिन से लेवल कर लेंगे चाकू की सहायता से, और बीच में खड़ी और आड़ी लाइनें हम इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न मिलेगा। अब फ्रेंड्स इस शीट को हम रोल करेंगे। तो लाइनें हमने सीधी ही की है, पर हम रोल को टेढ़ा, मतलब डायगनली हम इसको रोल करेंगे और हल्का ही रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स करके हम इसे बहुत पतला रोल नहीं बनाएंगे। अब एक रबर से इसे फासन अप कर देंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तक हमने जो रेक्टेंगल शीट फ्रीज़र में रखी थी इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और ये काफ़ी कड़क हो चुकी है। चॉकलेट अपने आप ही शीट को छोड़कर बाहर निकल रही है, तो आप इसे दोनों तरफ से देख सकते हैं। हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल पीस मिल चुके हैं, और ये पूरी तरीके से अच्छे से
दोनों तरफ से दिख रही है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा एक भी पीस टूटा नहीं है। किसी भी डेकोरेशन को 15 मिनट से आधा सेट होने के लिए फ्रीज़र में ना रखें, नहीं तो अपनी भाप के कारण ही इनके ऊपर पानी जमा होने लगेगा, ये स्वेट करने लगेंगे। जो देख सकते हैं ये दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है, तो इसे आप केक्स और पुडिंग्स में बहुत ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हमने हमारा रोल फ्रीज़र से 15 मिनट के बाद निकाल लिया है। चॉकलेट पूरी तरीके से अच्छे से जम गई है, ऊपर से शीट अलग ही हो चुकी है दिख रहा है। इसे बहुत ही हल्के हाथ से एकदम स्लोली हम इसे अनरोल करेंगे और इसी प्रोसेस में धीरे धीरे अपने आप ही चॉकलेट के पीसेस एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसमें भी कोई पीस हमारा टूटा नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमें ये कर्ल्स मिल चुके हैं जिन्हें हम केक टॉप पर डेकोरेट कर सकते हैं। इन सभी डेकोरेशंस को आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें, बाहर ये पिघल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे चॉकलेट कर्ल्स। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।